अगर आप 95,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं तो ऐसे में आप ICICI बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे वीडियो KYC के माध्यम से इस बैंक अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे और क्या क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट फीचर्स देखने को मिल जाएगी, क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगती है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों आपसे भी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ICICI बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। ICICI बैंक में अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन एंड अकाउंट इंस्टेंटली, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इस अकाउंट के बेनिफिट फीचर्स के बारे में बताया गया है कि आप सबसे बढ़िया बैंक में ओपन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 20,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी होगी, एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये देखने को मिल जाता है। गाइस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप इस अकाउंट को कैसे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपसे डिटेल मांगी जाएगी सभी डिटेल को आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे आप OTP को एंटर करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो देन आपको यहाँ पे OTP को एंटर कर देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे जो भी आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इन सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन को आप एक बार रीड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है, आपको अपना जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आप एंटर करेंगे। टर्म्स ऑफ कंडीशन पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही गाइस आप अपना OTP को एंटर करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आता है उसे एंटर करेंगे, यहाँ पे आपकी सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आपसे मैरिटल स्टेटस के लिए पूछा जा रहा है कि आप मैरिड है या फिर सिंगल है। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे, आप सेल्फ पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, आपको उसे चूज़ कर देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन टाइप, तो आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप कर चूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सैलरीड पर्सन आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है कि आपको पैसे कैसे मिलते हैं, वो आपको एंटर कर देना है। एनुअल रेंज देखने को मिलती है कि आप कितना साल भर में कमा लेते हैं, उसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। दैनिक आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे एंटर कर देना होगा। तो चलिए गाइस अभी मैं ये जो बेसिक्स डिटेल है इनको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। या जैसे कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप में आपको चूज़ कर देना है। नीचे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है, तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे एंटर करेंगे। देन कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे नॉमिनेशन की डिटेल पूछी जाएगी, तो नॉमिनेशन डिटेल एंटर कर देंगे यहाँ पे, और देन यहाँ पे कंटिन्यू बटन है, देन आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है और कुछ बेसिक्स डिटेल है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे फुलफिल करेंगे। और गाइस यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है इन चेक बॉक्स पर क्लिक करके देन नीचे आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपने जितनी भी डिटेल है यहाँ पे एंटर की है सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपने जो पर्सनल डिटेल भरी थी वो सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देन नीचे आपको कंटिन्यू करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो देन आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक कंसर्न पेज आएगा, यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है इन सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन को आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। जैसे आप रीड कर लेंगे सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन को, इसके बाद गाइस नीचे आपको इन चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है और देन आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे अब दोबारा से यहाँ पे आपको सभी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अकाउंट चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप 95,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं, इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं शुरुआती टाइम में, तो ऐसे में आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट यहां से चूज कर सकते हैं और अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ICICI बैंक में ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको किसी भी तरह का बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप अपना एक एवरेज मंथली बैलेंस भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे आप चूज़ करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो KYC पेज पर देखने को जाता है। यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है इन सभी को आपको एक बार रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे।
देन यहाँ पे आपको वीडियो कॉल के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू योर वीडियो KYC इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जो आपसे परमिशंस मांगी जाएगी सभी परमिशंस को आपको अलो करते जाना है। अब एक एग्जीक्यूटिव आपसे जुड़ जाएगा, जैसे आप एक एग्जीक्यूटिव जुड़ जाते हैं तो आपसे जो बेसिक डिटेल पूछी जाएगी तो आपको अपनी KYC यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी होगी। जैसे गाइस आप अपनी कंप्लीट KYC कर लेते हैं तो इसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल ओपन हो जाता है। कंग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको ईमेल और आपके SMS के माध्यम से भी आपको इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने के 2 से 3 दिन बाद आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाता है यहाँ पे, और इसके बाद 7 दिनों के अंतर्गत आपके डेबिट कार्ड और चेकबुक बाय पोस्ट आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाती है।